click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to our channel You and Me English Study. Friends, आज का हमारा टॉपिक है ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, जो कि एक पोएम है थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एक पोएम और बताई थी थॉमस ग्रे की, ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट. तो उस पोएम में मैंने पोएम के साथ साथ पोइट थॉमस ग्रे के बारे में भी डिस्कशन किया था, आपको थॉमस ग्रे के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी. ओके, तो आज हम इस पोएम में थॉमस ग्रे के बारे में ना देखकर डायरेक्ट पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इस पोएम का बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इस पोएम में क्या बताया है थॉमस ग्रे ने. ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रॉस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज बिलोंग्स टू द अर्लियर पीरियड ऑफ ग्रेज लाइफ. थॉमस ग्रे की लाइफ के जो अर्लियर पीरियड रहा था, उनका जो कॉलेज का टाइम रहा था, उस टाइम से बिलोंग करती है पोयम. दो रिटन इन 1742, हालांकि इसको 1742 में ही उन्होंने लिख दिया था. ग्रे डिड नॉट पब्लिश इट टिल 1747, लेकिन उन्होंने 1747 तक इसको पब्लिश नहीं किया था. ओके, इट इज़ ए शॉर्ट ऑड ऑफ 100 लाइन्स ओनली. एक छोटा ओड है, 100 लाइन्स इसके अंदर है, 10 स्टेंजास का ये ओड है. ओके, इट वॉज कम्पोज एट स्टॉक पोजेज एंड द जनरल ह्यूमन कंडीशन ऑन दिस अर्थ इज द मेन कॉन्टेंट ऑफ द पोएम. इस पोएम का मेन कंटेंट क्या है, ये जनरल ह्यूमन कंडीशन के बारे में है जो नॉर्मली हम सबकी लाइफ में होता है. हम सबकी लाइफ में आगे ये चीज़ें आती हैं जो इस पोएम के अंदर हैं. बिल्कुल रियलिटी के साथ फेस है ये पोएम. ओके, जब हम ये पोएम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता चलता जाएगा कि क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो रियल लाइफ से बिलोंग करती हैं. इट हैज़ लिटिल ऑटोबायोग्राफी. ये थोड़ी सी ऐसे लगती है कि जैसे पोइट ने अपने खुद की लाइफ इसके अंदर बताई है, जो भी उन्होंने अपने उनका चाइल्डहुड कैसा गया था, उनका यूथ कैसा गया था, ऐसा लगता है. तो ये थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, हम इसको ये बोल सकते हैं. इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ एटन. ऑब्जेक्टिव अकाउंट लाइफ ऑफ एटन, जो थॉमस ग्रे थे, उनकी कॉलेज थी एटन. ठीक है, तो उन्होंने जो अपना पीरियड वहाँ पे बिताया था, जो अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड किया था, उस टाइम को ऐसा लगता है जैसे वो रिमेम्बर करते हैं इस पोएम में. लेकिन इसकी एक्चुअल थीम ये नहीं है कि वो अपना ऑटोबायोग्राफिकल या फिर अपना टाइम स्पेंड किया हुआ वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. नहीं, इसकी एक्चुअल थीम है कि वो यूथ में, जो चाइल्डहुड के बाद में जो यूथ आता है इंसान की लाइफ पे, उस यूथ की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो यूथ अपने साथ जो प्रॉब्लम्स, जो सफरिंग लेकर आता है ना, उसके बारे में है. ओके, लाइक ए ट्रू क्लासिस्ट ग्रे डिवाइड्स लाइफ इनटू थ्री पार्ट्स. एक ट्रू क्लासिस्ट के जैसे लाइफ ने, ग्रे ने लाइफ को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. वो कौन से पार्ट्स हैं? चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज. और इन्हीं तीन पार्ट्स में ये पोएम भी डिवाइडेड है. इन्हीं तीन स्टेजेस के बारे में पोइट जो है वो डिस्कशन करते हैं. व्हाट इज़ द चाइल्डहुड, व्हाट इज़ द यूथ एंड व्हाट इज़ ओल्ड एज ऑफ ए मैन. ओके, अब फ्रेंड्स, इसमें एक वर्ड है एटन, जो कि इस कॉलेज का नाम है. तो एटन, इसका मतलब क्या होता है, क्या है इसके बारे में जो भी थोड़ी सी इन्फो है वो मैं आपको देती हूँ. ए टाउन इन बर्क्स ऑन द रिवर थेम्स. थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ एक टाउन है ये एटन. द एटन कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1440 बाई हेनरी सिक्स. हेनरी सिक्स के द्वारा इसको खोजा गया था 1440 के अंदर. ओके, ही वॉज मर्डर इन द टावर ऑफ लंदन इन 1471. और 1471 के अंदर ये जो हेनरी सिक्स थे, इनकी डेथ हो गई थी.
ओके फ्रेंड्स, ये जो पोएम है एटन कॉलेज, बेसिकली ये 10 स्टेंजास में डिवाइडेड है। तो इसके अंदर 5 5 स्टेंजास के अंदर एक पॉइंट कवर किया गया है। स्टार्टिंग के 5 स्टेंजास के अंदर ग्रे ने चाइल्डहुड के बारे में बताया है, जो इंसान का, मैन का जो चाइल्डहुड होता है वो कैसा होता है, ठीक है, कितना इनोसेंट होता है। उसके अंदर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो, बिना फ्यूचर के बारे में सोचे हुए जो प्रेजेंट आपका चल रहा है उसी के अंदर वर्क करता है इंसान और आगे बढ़ता रहता है, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। ओके, लेकिन जब चाइल्डहुड के बाद की जो स्टेज है लाइफ की वो है यूथ, और यूथ अपने साथ कितनी परेशानियां लाता है, और वो बिल्कुल सर्टेन है, कोई उनको हटा नहीं सकता। किसी की लाइफ में कम है, किसी की लाइफ में ज़्यादा है, लेकिन है सबकी लाइफ में वो परेशानियां, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है बाकी के 5 स्टेंजास के अंदर, और उसी के अंदर ओल्ड एज के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन मैं आपको पूरी पोएम समझाती हूँ। ओके, तो हमारा पहला स्टेंजा है, ये डिस्टेंट स्पायर्स, ये एंटिक टावर्स दैट क्राउन द वाटरी क्लैड। फ्रेंड्स, ये जो पहला स्टेंजा है इसके अंदर पोइट ने जो एटन कॉलेज है उसका एरिया बताया है, एटमोसफेयर बताया है कि किस एरिया के अंदर वो है, उसका एटमोसफेयर कैसा है, आसपास की जगह कैसी है वहाँ की। ओके, तो ये डिस्टेंट स्पायर्स, ये एंटिक टावर्स, ये जो दूर से दिखाई देने वाली, दूर दूर से ही दिखाई दे जाने वाली बड़ी बड़ी मीनारे हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं, दैट क्राउन द वाटरी ग्लैड, जो कैसे लगता है जो पानी की घाटियाँ होती है ना उसके ऊपर क्राउन के जैसे खड़े हुए हैं, ताज के जैसे, ठीक है, पानी की घाटियों के ऊपर एज ए क्राउन वो नज़र आते हैं। वेयर ग्रेटफुल साइंस स्टिल एडोर्स, जहाँ पर ग्रेटफुल साइंस मतलब नॉलेज, जहाँ पर नॉलेज अपना घर रखता है, नॉलेज अभी तक वहाँ पर इतना प्रफुल्लित है, इतना ज़्यादा वहाँ पर है। हर हेनरीज होली शेड, और हर मतलब इस एटन कॉलेज का जो वो माना जाता है, संस्थापक माना जाता है हेनरी सिक्स, उसकी पवित्र मूर्ति वहाँ पर विराजमान है। कहने का मतलब है जो उस टाइम पे नॉलेज था वो ही नॉलेज आज भी वहाँ पर विद्यमान है। एंड ये दैट फ्रॉम द स्टेटली ब्रॉ ऑफ विंडसर्स हाइट्स द एक्सपेंस बिलो, और ये जो मीनारे, ये जो टावर्स हैं वो ऐसे ऊपर खड़े खड़े ऐसे लग रहा है जैसे कि हाइट से यूँ नीचे की ओर, नीचे की ओर झांक कर देख रहे हैं, अपनी आईब्रोज से नीचे का जो एरिया है, ग्राउंड है, उसको जैसे देख रहे हैं ये। और किस तरीके से क्या क्या देख रहे हैं, ऑफ ग्रेव, ऑफ लॉन, ऑफ मिड सर्वे, जो भी वहाँ पे ग्रेव ग्रेव होती है, घनी झुरमुट सी जो होती है वो, लॉन पता ही है ग्रासी एरिया उसको, एंड मिड जो चारागाह है वहाँ आसपास में है उनको, मतलब वहाँ से आपको कोई दृश्य दिखा रहा है इसके नीचे का, ये जो एटन कॉलेज है उसके आसपास का, कि आप ऊपर से देखिए ये जो मीनारे हैं ना वो देख रही हैं इस आसपास की जगह को, सर्वे कर रही हैं वहाँ का, वहाँ पर ये इतनी सारी चीज़ें हैं। और फिर क्या है, हूज टर्फ, जहाँ की झुरमुट से एरिया के अंदर, ग्रासी एरिया के अंदर, हूज शेड, जहाँ की शेड के अंदर जो छांव वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ों की छांव है वहाँ, उनके अंदर से, हूज फ्लावर्स अमोंग, और जहाँ के फ्लावर्स के अंदर से, जो फ्लावर वहाँ पे बने उगे हुए हैं उनके अंदर से, वांडर्स द हॉरी थेम्स अलोंग हिज सिल्वर वाइंडिंग वे, उनसे होती हुई, उन इन सब में से होती हुई एक जो टैम्स रिवर है, हॉरी टैम्स बोला गया है, मतलब पुरानी बुजुर्ग रिवर टैम्स, वहाँ से होती हुई जिगजैग मैनर में उन सब में से होती हुई बह रही है अपने सिल्वर वाइंडिंग वेव्स के साथ, जो चमकती हुई उसकी चांदी जैसी धाराएं उसकी हैं, तो वो आज भी उसी तरीके से वहाँ पर फ्लो कर रही है, ठीक है, उसी जिगजैग मैनर में। तो फ्रेंड्स, इस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर एटमॉस्फेयर बताया गया है एटन कॉलेज का। ओके, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेंजा है, आ हैप्पी हिल्स, आ प्लीजिंग शेड, आ फील्ड्स बिलव्ड इन वेन,
अब पोइट यहाँ पे सेकंड स्टेंजा में रिमेम्बर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो जिनमें वो अपने टाइम स्पेंड कर चुके हैं और जिनको वो आज भी याद करके बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बता रहे हैं, आ हैप्पी हिल्स, आ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी खुशी या फिर उनकी वो याद करने के सेंस में जो फीलिंग आती है वो, कि हैप्पी हिल्स हमेशा जहाँ पर खुशी मिलती थी ऐसी वो हिल्स, ऐसी वो घाटियाँ, अ प्लीजिंग शेड और वो हमेशा खुशी देने वाली छाँव, उन पेड़ों की छाँव जो हमेशा खुशी देती थी, अ फील्ड्स बिलव्ड इन वेन और वो खेत खलियान, वो सुंदर सुंदर हरियाली, वो खेत खलियान जिनको मैं व्यर्थ में ही प्यार किया करता था। व्यर्थ में क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसके साथ नहीं रहने वाले थे ना, ख़त्म होना था उनको, और वो जब बता रहा है थॉमस ग्रे तब वो ख़त्म हो भी चुके हैं। तो फिर बोल रहा है उनको याद करते हुए, जिनको मैं व्यर्थ में ही इतना प्यार किया करता था, वे हर वंस माई केयरलेस चाइल्डहुड स्ट्रेट। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि जहाँ पर मेरा केयरलेस चाइल्डहुड बीता था, ठीक है, वो जगह के बारे में मैं बता रहा हूँ जहाँ पर मेरा केयरलेस चाइल्डहुड ऐसा जिस वक्त मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, आगे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं थी, जो पॉइंट जो लाइफ मेरे पास उस टाइम थी, जो चीज़ें उस टाइम थी मैं उनको एंजॉय किया करता था कोई बिना किसी केयर किसी चीज़ की टेंशन लिए हुए, ठीक है। तो वो मेरा चाइल्डहुड उस जगह पे आज भी भटका करता है, जब भी उस जगह के बारे में याद करता हूँ तो मुझे अपना वो चाइल्डहुड के वो दिन याद आ जाते हैं। देन ए स्ट्रेंजर येट टू पेन, जब मैं क्या हुआ करता था, अनजान हुआ करता था दर्द से, स्ट्रेंजर दर्द नाम की चीज़ मुझे पता ही नहीं थी कि दर्द होता क्या है, व्हाट इज़ द पेन, मुझे नहीं पता था, मैं स्ट्रेंजर था। तो ऐसी वो जो टाइम है वो मुझे आज भी याद आता है, जब इस एटन कॉलेज के बारे में बात करता हूँ, इसको देखता हूँ तो वो चीज़ें मुझे आज भी याद आती हैं। आई फील द गैल्स दैट फ्रॉम ये बिलो, आई फील द गैल्स, मैं उन हवाओं के झोंकों को फील कर सकता हूँ, ठीक है। हवाओं के झोंके वो याद, वो यादें, वो जो रिमेम्बरेंस है उसकी, वो वहाँ पे जो बिताए हुए पल हैं वो उनको मैं आज भी फील करता हूँ, दैट फ्रॉम ये बिलो, और वो उधर से वहाँ के बारे में याद करके ही मतलब मुझे इतने ए मोमेंट्री ब्लिस बिस्टो, क्षण भर के लिए ही सही लेकिन एक खुशी मिल जाती है, ठीक है, इतनी मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है उन यादों को याद करते ही। ऑब्वियसली ये ट्रू चीज़ है, ये सच्ची बात है कि जब हम चाइल्डहुड के बाद अब जब हम यूथ में चले जाते हैं, उनकी परेशानियों को झेल रहे होते हैं यूथ में, प्रॉब्लम्स को, तब अगर हम थोड़ी देर बैठ कर भी हमारे चाइल्डहुड के बारे में कुछ भी बातें याद करते हैं ना, तो फेस पे अलग ही स्माइल आ जाती है, उस प्रॉब्लम भरे टाइम के अंदर भी एक अलग से स्माइल फेस के ऊपर आ जाती है, बिकॉज ऑफ वो जो अच्छे पल होते हैं उनकी वजह से। ओके, तो फिर आगे के पॉइंट क्या बोलते हैं, एज वेविंग फ्रेश देयर ग्लैड सम विंग माई वियरी सोल दे सीम टू सूद, एज वेविंग फ्रेश देयर ग्लैडसम विंग, ये जो यादें हैं ना वो किस तरीके से आती हैं, ऐसे पंख लगाए हुए, ऐसे खुशी वाले विंग्स लगाए हुए बहती हुई ये यादें आती हैं और क्या करती हैं, माई वियरी सोल दे सीम टू सूद, ऐसे नज़र आता है, ऐसे प्रतीत होता है कि मेरी इस थकी हुई आत्मा को जो ये अब यूथ में आकर इन परेशानियों से जूझते जूझते परेशान खुद भी थक गई है ना मेरी सोल, उसको सूद करती हुई नजर आती हैं वो यादें, ठीक है, पंख लगा कर आती हैं और मेरी इस थकी हुई सोल को थोड़ा सा रिलैक्स देती हैं। ओके, देन एंड रिडोलेंट ऑफ जॉय एंड यूथ, और मुझे एक उस लालिमा का एहसास कराती हैं, वो लालिमा जो वो बचपन में रहा करती थी मेरे फेस पे, ठीक है, लालिमा से भर देती हैं ये यादें ऑफ जॉय एंड यूथ, और मैं इस यूथ के अंदर भी थोड़ा सा ऐसे जॉय फील करने लग जाता हूँ, थोड़ा सा आनंद मुझे मिल जाता है, टू ब्रीथ ए सेकेंड स्प्रिंग, लास्ट में बोलते हैं टू ब्रीथ ए सेकेंड स्प्रिंग, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं एक बार फिर से स्प्रिंग के अंदर जी रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ एक बार वापस से उस स्प्रिंग के अंदर, जैसे मेरा वो जो स्प्रिंग खो गया था, गुजर गया था, वो बसंत एक बार वापस से मेरी लाइफ में आ गया, मैं वापस से मैंने उसमें सांस ले ली है। ओके, देन फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेंजा की ओर।
फ्रेंड्स, इस थर्ड स्टेंजा के अंदर पोइट ने टेम्स रिवर जो है उससे कुछ क्वेश्चन किए हैं, और यहाँ पर है ना सीरीज़ वाइज उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में, या जो एटन कॉलेज में जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरीके से अपना चाइल्डहुड स्पेंड करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं, वो एक्टिविटीज़ सीरीज़ वाइज यहाँ पर बताई है. ओके, वन टू वन सारी बताई हैं. और वो किस तरीके से बता रहे हैं, वो टेम्स रिवर से, जो टेम्स रिवर तब भी थी और अब भी है, ठीक है, उस टाइम पे भी थी जब थॉमस ग्रे का टाइम था उसमें चाइल्डहुड का, और अब जब वो ये पोएम लिख रहे हैं तब भी ये टेम्स रिवर है. तो वो टेम्स रिवर को एक उस चीज़ के रूप में मानते हैं कि तुमने तो सब कुछ देखा होगा, क्योंकि तुम तो तब भी थी और अब भी हो, एक तुम ही हो जो उस टाइम पर भी सारी चीज़ें देखा करती थी और आज भी वो सारी चीज़ें देखती हो. तो वो उससे क्वेश्चन करते हैं, टेम्स रिवर से क्वेश्चन करते हैं, और वो सारी बातें बताते हैं जो बच्चे वहाँ पर किया करते थे, और पूछते हैं कि आज भी वो सारी क्रिएटिविटी होती है क्या वहाँ पर. ओके, तो पोइट बोलते हैं, से फादर टेम्स. फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो टेम्स रिवर को फादर बोला गया है. बेसिकली हम रिवर को एज अ फेमिनाइन ट्रीट करते हैं, मतलब मदर, मतलब रिवर को अगर जेंडर में अपन देखें तो अपन फीमेल जेंडर का बोलते हैं, लेकिन इसमें फादर बोला गया है. वो इसी वजह से क्योंकि सब कुछ जानने वाली जो कैटेगरी है वो हम मानते हैं कि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब फादर जो होते हैं ना वो घर में सब कुछ जानते हैं, तो उसी तरीके से उस वे में उनको रिप्रेजेंट करते हुए, उस नदी को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने बोला है फादर टेम्स. से फादर टेम्स फोर दाउ है सीन. तुम मुझे बताओ फादर टेम्स, फोर दाउ है सीन, तुमने तो देखा होगा, तुमने तो तब भी वो चीज़ें देखी होगी और आज भी तुम देखती हो, तो क्या फिर आज भी तुम वो सारी चीज़ें देखती हो, क्या क्या, फुल मैनी ए स्प्राइटफुल रेस, कि तुमने तो पूरी उत्साह से भरी हुई जो रेस होती है, बच्चे जो अपने उत्साह के साथ जो रेस करते हैं, दौड़ लगाते हैं बचपन में, वो सारी रेसें तुमने तो तब भी देखी थी और आज भी देखती हो, तुम मुझे बताओ. डिस्पोर्टिंग ऑन दाई मार्ग्रेंट ग्रीन, उन रेसेस के बारे में बताओ जो बच्चे लगाते हैं, जो बच्चे करते हैं रेसेस खेलते कूदते हुए से, ये जो ग्रीनरी ग्रीननेस, ये जो ग्राउंड है इसके ऊपर, द पाथ्स ऑफ प्लेजेंट रेस, और कैसी रेस, जो सिर्फ अपने आनंद के लिए, वो रेस होती है सिर्फ आनंद के लिए, ना कि किसी प्राइज़ के लिए, उनको किसी प्रकार का कोई प्राइज़ नहीं दिया जाता उस रेस के लिए, लेकिन फिर भी वो कितनी खुशी के साथ, सिर्फ अपनी उस खुशी, छोटे सी छोटे छोटे मोमेंट की खुशी के लिए वो रेसेस करते थे, तो क्या आज भी वो रेसेस हैं, आज भी वो दौड़ने वाले बच्चे हैं वहाँ पर. फिर बताते हैं, हु फॉरमोस्ट नाउ डिलाइट टू क्लीव विथ प्लीनेट विथ प्लीनेट आम दाई ग्लासी वेव. नेक्स्ट इमेज में पूछते हैं, थॉमस ग्रे पूछ रहे हैं रिवर से, हु फॉरमोस्ट नाउ डिलाइट टू क्लीव, अभी भी क्या कोई ऐसा है, कौन है अभी भी ऐसा जिसको खुशी मिलती है, किसके अंदर, क्लीव चीरने के अंदर, किसको, विथ प्लीनेट आर्म अपनी मजबूत बाहों से, दाई ग्लासी वेव तुम्हारी चमकती हुई वेव को, तुम्हारी लहरों को, मतलब कहने का मतलब क्या है, क्या पूछना चाह रहे हो यहाँ पे, अभी भी कौन ऐसा है जिसको स्विमिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा तैराक है, जो बहुत ही अच्छा स्विमिंग करता है, ठीक है, तो अभी भी कोई ऐसा है क्या जिसको तुम्हारे अंदर स्विमिंग करना अच्छा लगता है. ओके, देन पूछते हैं, कैप्टिव लीनेट विच एंथ्रॉल, क्या कोई ऐसा है अभी भी जिसको कैप्टिव कैद करने में, लीनेट बर्ड्स को, विच एंथ्रॉल खुशी के लिए, मतलब कोई ऐसा है क्या जिसको अभी भी बर्ड्स को पकड़ने में खुशी मिलती है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना इंजॉय करने की जो बच्चे किया करते थे, तो क्या आज भी कोई ऐसा है जिनको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉयमेंट मिलता है, बिना किसी प्राइज़ या बिना किसी रेस के वो इन सब चीज़ों में इंजॉय ढूंढते हैं, सिर्फ इंजॉय के लिए वो ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट है, वॉट आइडल प्रोजेनी सक्सीड टू चेस द रोलिंग सर्कल्स स्पीड और अर्ज द फ्लाइंग बॉल,
ठीक है, तो पूछते हैं क्या कोई आइडल, कोई खाली बैठा हुआ बालक आज भी ऐसा है क्या जिसको रोलिंग सर्किल स्प्रिंट, ये जो दौड़ने वाली चीज, सर्किल को दौड़ाने वाला जो गोल 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 कोई टायर सा हो, कोई सर्कल सा हो, उसको स्पीड में दौड़ाते रहना, ओके, सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए, कोई उसको कोई प्राइज नहीं मिल रहा, कोई गेम नहीं है ये, लेकिन सिर्फ उसी को गेम बना लिया, ठीक है, रोलिंग स्पीड को दौड़ा रहे और उसी को गेम बना लिया, उसके अंदर इसको खुशी मिल रही। क्या कोई ऐसे बच्चे भी हैं अभी भी जो ये गेम्स खेलते हैं क्या? और अर्जित है फ्लाइंग बॉल, या फिर कोई ऐसे हैं जो उड़ती हुई बॉल को, उड़ती हुई मतलब जो बैट से निकली हुई बॉल, उसको कैच करने में किसी को इंटरेस्ट है आज भी? ओके, मतलब क्रिकेट मान लो आप यहाँ पे, तो क्रिकेट वाला जो गेम होता है, क्या बच्चे आज भी ऐसे हैं यहाँ पर जो ऐसे ऐसे गेम्स खेला करते हैं, जिनको जो इंटरेस्ट के साथ खेला करते हैं इन गेम्स को बहुत ही ज़्यादा, जैसे पहले हुआ करता था? तो ये पॉइंट यहाँ पे पूछ कर ये बता रहे हैं कि पहले कौन सी चीज़ें हुआ करती थी, और ना वो जानना चाहते हैं कि आज भी वो चीज़ें होती हैं क्या। ओके, देन फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारी फोर्थ स्टैंजा की ओर। फ्रेंड्स इस फोर्थ स्टैंजा के अंदर भी उसी बात को पॉइंट आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब वही सारी जो सीरीज बता रहे थे बच्चों के खेल की, गेम्स की, बच्चे उस टाइम पे क्या क्या करते थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, वाइल सम ऑन अ नेस्ट बिजनेस बैंड दे आर मर्मरिंग लेबर अप्लाई अगेंस्ट ग्रेव आवर्स। तो पॉइंट यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या कोई बच्चे ऐसे भी हैं अभी भी, सम उनमें से कुछ कोई ऐसे भी हैं क्या, ऑन अर्नेस्ट बिजनेस बेंट, जो अपने बहुत ही सीरियस बिजनेस के अंदर, सीरियस काम के अंदर बेंट डूबे हुए रहते हैं, स्टूडेंट कोई ऐसे भी हैं क्या, मतलब पढ़ाई के अंदर कोई ऐसे पढ़ाकू स्टूडेंट हैं क्या आज भी जो बिल्कुल बेंट, बिल्कुल डूबे रहते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, दे आर मर्मरिंग लेबर अप्लाई, जो उनके मर्मरिंग जो बड़बड़ाते हुए बोलना, रट्टा मारना, याद करना, जो परिश्रम है उनका, वो उन समय में भी करते रहते हैं, उस समय में भी करते रहते हैं, गेंस्ट ग्रेव आवर, जो उनके ग्रेव आवर मतलब जो उनके खेल का टाइम होता है, खेल के जो घंटे होते हैं, जो शाम का समय होता है फन टाइम, उसके अंदर भी वो अपना पढ़ाई का ही, उस टाइम को भी पढ़ाई के अंदर ही बिताने वाले ऐसे स्टूडेंट भी हैं क्या जो एक्स्ट्रा पढ़ाकू टाइप के होते हैं? तो पॉइंट पूछ रहे हैं बात, फिर आगे है, दैट ब्रिंग कॉन्स्टेंट टू स्वीटन लिबर्टी, ठीक है, जो मतलब उनकी जो कॉन्स्टेंट लिमिट है, ठीक है, उनकी लिमिट यहीं तक सीमित है कि वो अपना बिल्कुल स्वीटली, अपनी पूरी स्वीटनेस के साथ अपनी लिबर्टी को यहीं तक ख़त्म कर देते हैं, उनकी लिबर्टी यहीं तक रहती है कि उनको बस हर चीज़ याद करनी है। ओके, तो ऐसे पढ़ाकू टाइप के बच्चे आज भी हैं क्या? देन पॉइंट पूछता है, सम बोल्ड एडवेंचरस डिस्टेंड, सम बोल्ड एडवेंचरस डिस्टेंड द लिमिट्स ऑफ देयर लिटिल रेन, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं क्या अभी भी एडवेंचरस, जो हमेशा एवन्यू कुछ ना कुछ नया करने का सोचते रहते हैं, एडवेंचर होते हैं, उनको किसी की चीज़ का डर नहीं लगता, ओके, सॉरी डर लगता है लेकिन फिर भी करने से रुकते नहीं हैं, जो क्या करते हैं डिस्टेंड द लिमिट्स ऑफ देयर लिटिल रेन, अपने छोटे से क्षेत्र की जो लिमिट्स उनके ऊपर लगा दी जाती है ना, उसको डिस्टेंड करते हैं, नापसंद करते हैं, अपने ऊपर लिमिट्स वो सहन नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे भी हैं क्या अभी? ओके, जो स्कूल का एरिया उनको दे दिया कि यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन नो, उनको लिमिट्स पसंद नहीं है, वो लिमिट क्रॉस करेंगे, जो शैतानियाँ होती हैं बच्चों के, ऑब्वियसली स्कूल की ग्राउंड क्रॉस करके जाना, पार करके जाना, तो ऐसे बच्चे भी हैं क्या जो ये काम करते हैं अभी भी? आगे बोलते पॉइंट, एंड अननोन रीजंस डेयर डिस्क्रे, जो अभी भी डिस्क्रे एक्सप्लोर करने की हिम्मत रखते हैं, अननोन रीजंस, जो अननोन क्षेत्र हैं जिसको वो जानते नहीं, अपने स्कूल के एरिया से निकलकर किसी और जगह पर जाना, ठीक है, वो जगह जिसको वो जानते तक नहीं है, तो इतनी हिम्मत है क्या अभी भी उन ऐसे बच्चे हैं क्या इतनी हिम्मत वाले जो ये स्कूल बंक करके बाहर कहीं जाते हैं? देन बोलते हैं पॉइंट, स्टिल एज दे रन दे लुक बिहाइंड, जितना वो आगे जाते हैं बार बार उतनी बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं, दे हियर ए वॉइस इन एवरी विंड, हवा के प्रत्येक झोंके के साथ उनको कुछ ना कुछ कोई एक वॉइस सुनाई देती रहती है, क्यों सुनाई देती है वॉइस, क्योंकि मन में डर रहता है, बाहर आ तो गए लेकिन पीछे से डर रहता है कि कोई पकड़ ना लगे, कोई देख ना ले, कोई टीचर देख ना ले, कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए हमको, ओके,
एंड स्नैच ए फियरफुल जॉय, और छीनने वाले फियरफुल जॉय, डर लग रहा है लेकिन आनंद तो लेना ही लेना है। बचपन ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली सब ने ये चीज़ें करी होंगी, और जिसने नहीं करी ना उसने अच्छा ऐसा बचपन, मतलब बचपन का मजा ही खो दिया। ओके तो स्कूल बंक करना, डर लगते रहना लेकिन फिर भी एडवेंचरस वाले काम करते रहना, और जॉय भी कैसा फियरफुल जॉय, ठीक है डर लग रहा है लेकिन आनंद बहुत आ रहा है। ओके तो जो ऐसा लग रहा है ना, जब हम ये पोएम पढ़ते पढ़ते लग रहा है जैसे थॉमस ग्रे अपने खुद के ही टाइम बता रहे, अपना खुद का ही टाइम बता रहे, उन्होंने जैसे ये सारी चीज़ें करी हों। ओब्वियसली ठीक है, इतना डीपली बता रहे हैं ना तो लग रहा है कि जैसे उन्होंने करी हो। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है ना कि हमने भी बचपन में ये सारी चीज़ें करी थी यार, तो उसी तरीके से। ओके तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे अगले स्टेंजा की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला स्टेंजा है फिफ्थ स्टेंजा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं, गे होप इज देयर्स बाई फैंसी फेड लेस प्लीजिंग वेहन पॉजेस्ट। पॉजेस्ट का मतलब होता है प्राप्त कर लेना। ओके गे का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो पोइट यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं इन दो लाइन्स में, कि जब तक कुछ पाने का ड्रीम रहता है ना, ठीक है जब तक कुछ पाने का हमारा एम के अंदर, हमारे ड्रीम के अंदर हमारा एम रहता है, वो बहुत खुशी देता है कि हाँ हम उसको इतने दिन में पालेंगे, इतने दिन में उसको अचीव कर लेंगे। पर जब वो मिल जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, लेस प्लीजिंग, उसकी खुशी है ना कम हो जाती है। बोलते हैं ना कि जब तक कोई चीज़ आपको मिलती नहीं तब तक आपको उसकी वैल्यू रहती है, और मिलने के बाद आप उसकी वैल्यू खो देते हो। ठीक है तो वही चीज़ रहती है, उसी चीज़ के बारे में पोएट्री यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कि जब कोई चीज़ ड्रीम में रहती है ना, हमारे फैंसी फेड में रहती है, हमारे विचारों में रहती है, तब तक ठीक है, तब तक वो बहुत खुशी देती है, उसको पा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जब जिस दिन वो मिल जाती है ना, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, फिर ये फैक्ट है लाइफ का। तो फिर आगे पोएट क्या बोलते हैं, द टीयर फॉरगेट एज सून एज शेड द सनशाइन ऑफ द ब्रीस्ट। ये जो बच्चे होते हैं ना, चाइल्डहुड जो होता है, बचपन जो होता है, उसके अंदर आंसू ऐसे बहते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है आंसू बहते हैं और कब ख़त्म हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, कब पूरे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि वो नहीं याद रखते, वो किसी के प्रति द्वेष भावना या ईर्ष्या भावना नहीं रखते हैं मन में कि इसने मुझे डांटा है मैं इससे बात ना करूँ। नहीं, आप बच्चे को डांटो, अगले पल उससे अच्छे से बात करो, वो आपसे पलट के अच्छे से ही बात करेगा, बहुत ही प्यार से ही बात करेगा। ठीक है तो ये बचपन होता है, इनोसेंट, इनोसेंस जो होता है ना, वो है बचपन। द टीयर फॉरगेट एज सून एज शेड, आंसुओं को भुला देते हैं, पता भी नहीं चलता आंसू किस बात से आए थे। क्यों, द सनशाइन ऑफ द ब्रीस्ट, क्योंकि उनके हृदय में सनशाइन होता है, सूर्य जैसी रोशनी, सूर्य जैसा रोशन उनका दिल होता है, उनके दिल में कोई कालापन या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहती कि वो किसी चीज़ को रखे अपने दिल में बसाकर। देन पॉइंट आगे बोलते हैं, देयर बग्जम हेल्थ ऑफ रोजी ह्यू, उनकी हेल्थ कैसी रहती है उस टाइम पे बचपन में, बग्जम उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, और चीक्स का कलर रोजी रहता है, रेड रेड कलर उनके चीक्स का रहता है, क्योंकि वो खुश रहते हैं, उनको वो अपने दिमाग और दिल के अंदर कोई द्वेष भावना बैठाकर नहीं रखते हैं, किसी चीज़ को लंबा नहीं खींचते हैं, जो हुआ उसी टाइम पे हुआ और भूल गए बस। ठीक है, वाइल्ड विट इन्वेंशन एवर न्यू, वाइल्ड विट बुद्धि ऐसे तीव्र रहती है, जंगली बुद्धि रहती है कि हाँ ठीक है, तीव्र बुद्धि की ये हुआ ठीक है साइड करो, अब किसी और साइड में चलते हैं, किस कोई और चीज़ करते हैं। इन्वेंशन एवर न्यू, नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, हमेशा नया नया सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक चीज़ हो गई उसी को लेकर बैठे रहे, नहीं ये चीज़ ना हुई तो चलो साइड में करो, भूल जाते हैं उस चीज़ को और आगे बढ़ते रहते हैं, और ना ही आगे के बारे में सोचते हैं कि मैं ये करूँगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं, एवर न्यू इन्वेंशन करते रहते हैं हमेशा बच्चे। एंड लाइवली चीयर ऑफ विगर बॉर्न, और ऐसे जोश के साथ पैदा हुए होते हैं वो, मतलब हर चीज़ को ऐसे करते हैं चीयर, बिल्कुल फन के साथ हर चीज़ को करते हैं वो, हमेशा फन में वो हमेशा रहते हैं। द थॉटलेस डे, इसीलिए तो उनका दिन कैसा बीतता है, थॉटलेस, फालतू के विचार विमर्श नहीं करते, फालतू के विचारों में उलझे हुए नहीं रहते, जैसे कि हम यूथ में रहते हैं वैसा नहीं होता उनके साथ। द ईजी नाइट, दिन ऐसा बिंदास में गुजरता है तो नाइट भी कैसी आती है, ईजी आती है, बिल्कुल आसानी से रात उनकी आती है, और
किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती। द स्पिरिट्स प्योर, क्यों भाई, उनकी आत्माएं प्योर होती हैं, इस वजह से वो प्योर प्योर हार्ट, जो प्योर आत्मा, आप जिसको बोलते बोलते ना हम कि भगवान बच्चा भगवान का रूप होता है, वो बात इसी से आप यहाँ पे वो बात अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। द स्पिरिट प्योर, उनकी आत्माएं प्योर होती हैं, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते हैं, इस वजह से दिन भी अच्छा गुजरता है और रात भी अच्छी गुजरती है। ओके, स्लम्बर्स लाइट, और नींद कैसी आती है उनकी, बिल्कुल हल्के दबे पांव आती है। ठीक है, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो बच्चे को सुलाने की, उसका मन नहीं होगा तब तक वो नहीं सोएगा, और जब सोएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसको नींद आ गई। ठीक है, तो वो है स्लम्बर्स लाइट, बिल्कुल हल्की दबे पांव उनकी नींद आती है। दैट फ्लाई द अप्रोच ऑफ मॉर्न, और क्या होता है, दिन निकलते ही इस प्रकार से वो उठ के खड़े होते हैं ना अपने बिस्तर से कि ऐसा लगता है कि हाँ वापस से न्यू डे आ गया और वापस से उनको कुछ ना कुछ नया करना है। तो ये होता है बचपन। तो इसके बारे में पूछने, अब ये फाइव स्टेंजास जो हैं उनमें पूरा यूथ के, सॉरी चाइल्डहुड के बारे में पूरा बताया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया होगा लाइन टू लाइन। ओके फ्रेंड्स, अब इसके जो बाकी के फाइव स्टेंजास हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको पूरी पोएम समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, और वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर वाला काम तो जारी रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।